ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है सबके लिए। सेप्टेम्बर 22 to 30 अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है। जी हाँ, साइंस का कार्ड आ रहा है। साइंस आर कॉशनिंग यू, आपकी सॉरी साइंस आपको पॉजिटिव डायरेक्शन खुद ब खुद मिल जाएगी। स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। कोई स्ट्रेंजर है तो कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है किसी के थ्रू। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एक्साइटिंग टाइम्स, काफ़ी एक्साइटिंग टाइम्स। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं मूव, कहीं स्पेशल फैमिली रीयूनियन, दिस एंड दैट, तो वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, योर फ्यूचर, आई टोल्ड यू योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ एंड जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। डिफिकल्ट टाइम्स, ओके। सो यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को थोड़ा संभाल के चलिए, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, यू नो, लाइक रिलेशनशिप वाइज या कुछ ऐसा है, सो डीक्लटर कीजिए। डीक्लटर का मतलब है लेट को कीजिए ऐसे लोगों को, जहां आपके ऊपर आपको थोड़ा सा भी शक है ना किसी पे कि हाँ ये नेगेटिव है, ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपके, तो उनको अवॉइड कीजिए एटलीस्ट, ठीक है। और उनको एंटरटेन बिल्कुल मत कीजिए। अब वो लोग भी हो सकते हैं, सर्टन ऑब्जेक्ट्स, या आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज समवन कैन हर्ट योर फीलिंग्स, एंजल्स कह रहे हैं कि समवन इमोशनली कैन हर्ट योर फीलिंग्स, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। चलिए, अब ये तो नॉर्मल सबके लिए ओवरऑल एनर्जी हो गई। अब आपकी लव लाइफ की बात करेंगे कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट दैट आप कुछ फैसला लेना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, यू नो, लाइक सोच रहे हैं व्हाट टू डू। मे बी इट्स अबाउट अ फेयर डिसीजन, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं, इट्स अबाउट दैट, यू नो, लाइक कोई टॉक्सिक पैटर्न है जो आपको लगता है कि यहाँ इट शुड, लाइक इट शुड एंड, ये एंड हो जाना चाहिए, या इसका नतीजा क्या होगा। आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। एंड मे बी हो सकता है कि आप रिजिस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आप अवॉइड कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स अबाउट, यू नो, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में आपको लगता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, या आपके पास दो चॉइसेस हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। दैट्स ऑन द अदर हैंड, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड, आपके चाहे आपके पार्टनर हो, कुछ भी हो, मुझे एक थोड़ी सी ना वो एनर्जी दिख रही है होल्ड बैक वाली, कि ये पर्सन थोड़ा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो ऐसी आपकी सिचुएशन है। ओके, नाउ मुझे कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन दैट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। ओके, हो सकता है कि कुछ क्लियर हो सकता है आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है। ओके, आई थिंक दे हैव लव फॉर यू, मुझे लगता है, बट अंदर से डीप डाउन मुझे लगता है कि वो शो नहीं करते हैं। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, मैंने आपको बोला ना, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, क्या ये आपके स्पाउस है, तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि उनके मन में आपके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है, इमोशंस हैं, बट ऊपर से वो आई थिंक वो टफ शो कर रहे हैं। एंड एरी एनर्जी दिखाई दे रही है, स्पेशली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ये कुछ साइंस भी हो सकते हैं, बट नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, या इवन आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है एक दूसरे के साथ, ठीक है, बातचीत हो सकती है, वो एनर्जी मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। ओके, इमोशनली को डिपेंडेंट, जो सोलमेट, ओके, सो यू कैन कनेक्ट विद द सोलमेट। एडिक्शंस, येस ऑफ कोर्स, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ को पता है क्या इफेक्ट कर रहा है, एडिक्शंस। अब वो हो सकता है कि पास्ट में रहना, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है कि आपको गिव अप करने की ज़रूरत है, बट आप कर नहीं रहे हैं। आपको पता है ये एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है, आप कर नहीं पा रहे हैं, और वो आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही की एनर्जी हो। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अगर हम करियर की बात करें, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट। ओके, करियर वाइज अगेन गुड एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट सक्सेस, ब्रेक थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग रशिंग टूवर्ड्स यू। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड तो आया ही है, सो समवन लाइक, यू नो, अब वो कोई
एक्सक्यूज मी एक्शन, लॉट ऑफ एक्शन, और हो सकता है कि आप अपना पूरा एफर्ट डालने वाले, सब कुछ तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, या हो सकता है आप कुछ यू नो मूवमेंट, मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई मूवमेंट एक्शन, एंड वो चीज़ आपके लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है, या हो सकता है आपका माइंड यू नो बहुत बहुत सारी चीज़ों में घूम रहा है, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, बट डेफिनेटली इट्स अबाउट अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट हो सकती है, एंड या कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई ऑफर लेटर हो सकता है. ओके सो या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर योर करियर ऑफ कोर्स. और देखते हैं व्हाट एल्स. ओके सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड, यू नो आई थिंक इट्स अबाउट पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव, मतलब जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड भगवान को पे करें और बाकी चीज़ों को लेट गो करें, बिकॉज कुछ चीज़ें आपकी सोच से भी बेहतर हो सकती हैं अगर आप इन चीज़ों को डील करते हैं तो. और थोड़ा सा सेल्फ केयर, सेल्फ लव, और अपने रिलेशनशिप्स को भी लेके, बिकॉज यहाँ डी क्लटर का कार्ड आया था, तो ऑब्वियसली आप कोई इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं अगर आप बैलेंस बना के रखें, ऑब्वियसली आप बना के रख रहे हैं, तो इस सिचुएशन से आप डील कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं अगर आप टाइम देते हैं. अब इट्स ऑल्सो अबाउट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, इट्स ऑल्सो अबाउट लव, ठीक है. तो इमोशनली आई थिंक इट्स अबाउट मेकिंग स्पेस फॉर गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों के लिए स्पेस बना के रखना, ना कि बुरी चीज़ों के लिए. ओके बिकॉज एंजल्स कह रहे हैं कि स्टॉर्म वार्निंग, मतलब आपको एंजल्स आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है और ये आपके लिए अच्छा साबित, मतलब अच्छा हो सकता है अगर आप इस तरीके से डील करते हैं सिचुएशन को, ठीक है. प्रिपेयर, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग. अच्छा, कुछ के लिए करियर से रिलेटेड हो सकता है कि आप कुछ नया कर सकते हैं. एंजल्स कह रहे हैं अपने आप को तैयार कीजिए, स्पेस बनाइए, करियर में आपके कोई एडवांसमेंट हो सकती है, हो सकता है कुछ और भी अच्छा आपके लिए पॉजिटिव वेट कर रहा है, उसके लिए स्पेस बना के रखिए. सर्विस, आई फील गुड वेन आई कैन हेल्प अदर. तो एंजल्स कह रहे हैं जो भी काम करते हैं सोच के कीजिए कि आप अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, आपको किसी से कुछ नहीं लेना देना. और दूसरी बात ये कि आप ऑनेस्टी, और आप अपना जो काम कर रहे हैं उसमें आप किसी की मदद कर पाएँ, ठीक है. इस तरीके से अगर आप सोच के कोई काम करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू, ठीक है. मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप माइंड में ये सोच के चलेंगे कि इन एनी वे अगर आप किसी की मदद कर पाएँ, ठीक है, तो आई थिंक वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा. और सेम आपके करियर से भी और आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, आप अपने जो रिश्ते हैं वो ऑनेस्टी से निभा रहे हैं, और आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लेकिन खुद आप यू नो आप कर सकते हैं, खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके सो चीज़ों को लेट गो कीजिए. अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है अबाउट सर्ट यू नो फ्यू थिंग्स, तो आपको अपनी तरफ से हिम्मत करनी होगी. एंजल्स कह रहे हैं कि एक तो लेट को और ट्रस्ट कीजिए, मतलब हो सकता है कि आपको कोई फैसला लेना है, हो सकता है कि आपको खुद पे, तो किसी चीज़ को लेके, इवन एनीथिंग इन लाइफ, चाहे आप खुद से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए. आई थिंक जो भी आपका जो सपना है, जस्ट गो विद द फ्लो, यू नो बस उसको फॉलो कीजिए. डोंट बी डिफेंसिव, जस्ट गो स्विम विद द फ्लो. कई बार होता है ना कि आपके पास आंसर्स नहीं होते हैं, बट यू हैव टू जस्ट बिलीव और अपना काम करना, दैट्स इट. तो अभी के लिए फ़िलहाल एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं. ओके सो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.